व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग ओके। आज के एपिसोड में मेरी जनरली हटी हुई है और इस तरीके की एपिसोड मैंने इससे पहले आज तक नहीं बनाई है, क्योंकि नॉर्मली मैं अच्छी बातें करता हूँ ब्रांड्स के बारे में, जितनी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करता हूँ मैं इस चैनल के ऊपर, पॉजिटिव लाइट के अंदर करता हूँ। मगर आज आज जिस ब्रांड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आइडियाज़ बाय गुल अहमद, उनकी अभी एक सेल लगी थी, द ग्रेट विंटर सेल, द ग्रेट विंटर सेल, और उसमें उन्होंने हर किस्म के इन्फ्लुएंसर को ले लिया। मगर भाई देखो, आइडियाज़ वालों, इन्फ्लुएंसर लेने से ना, अगर आपकी टट्टी ब्रांड है और आपकी टट्टी सर्विस है तो वो बेहतर नहीं होती। आप शोर तो मचा लेते हैं मगर अंदर से कुछ मवाद नहीं होता, कहते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा। कुछ और बोलने वाला था मैं भाई एक मूवी का बहुत मशहूर डायलॉग है कि संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करा। तो इसी तरीके से मैं ये सेल जो लगाते हैं ना, बड़ी बड़ी सेलें लगाते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, 70% ऑफ, कितना 70 है ना, या 70 अप टू 70% ऑफ। भाई अगर संभाल नहीं सकते तो शोर क्यों करते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इतनी हटी हुई क्यों है, अभी बताता हूँ। सीन ये हुआ कि भाई विंटर सेल लगी, हमने बोला ठीक है भाई, हमारे चैनल पे तो ये सारी चीज़ें प्रमोट होती ही होती हैं, हम भी चलते हैं। हम गए वहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब सेल लगती है तो ऐसे स्टोरों के अंदर जो 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 काम करने वाले होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती कि भाई आवाम जो है ना वो बावलों की तरह आएगी अंदर और चढ़ जाएगी आप पे। उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, उनको आवाम को हैंडल करने के तरीके नहीं बताए जाते, उनको आवाम से डील करने के तरीके नहीं बताए जाते। जो जिस तरीके का बंदा है उसको मास्क बना के लगा दिया, फ्लोर पे जा भाई संभाल, ये 150 बंदा आया हुआ। मैं गया, सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई साइज नहीं, ठीक है भाई सेल है समझ आया, साइज नहीं है। ये 2-3 टी शर्टें मुझे नजर आई, मैंने डिजाइन निकाले, बंदा बोल रहा है सर ढूंढने साइज। अबे 150-200 पीस रखे हुए एक जगह पे, उसमें मैं अपना साइज ढूंढता रहा हूँ, मतलब पीछे से आंटियां चढ़ रही है मेरे ऊपर और मैं साइज ढूंढता रहा हूँ। फिर भाई साइज नहीं मिला, अच्छा सर इधर तो साइज नहीं होगा कहीं और होगा, अबे तो भाई बता दे कहाँ पर होगा, नहीं ये भी नहीं बताना, मतलब चुप खड़ा हुआ है, मास्क के पहने, मुझे समझ भी नहीं आ रहा एक्सप्रेशन क्या, आंखें बस फटी हुई और समझ नहीं आ रहा। अरे बेसिक सी भाई ह्यूमन इंटरेक्शन हो रही है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ ना, तू एलियन है, मगर भाई उसकी उसकी एकदम पता पैक हुई हुई थी। और सुबह का वक्त, ये भी नहीं कि पूरे दिन बंदा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दे कि भाई थका हुआ बंदा है, पूरे दिन इसकी कस्टमरों ने लिए, अबे सुबह सुबह का वक्त और बंदा एकदम हवन्ना कुहावना कि ये बंदे आ गए। खैर भैया, अच्छे खासे टाइम अपनी मट्टी पलीत करने के बाद मैंने कुछ आइटम निकाले, जिसमें उस भाई ने बोला सर बिल्कुल इसमें आपको साइज मिल जाएगा। अब भाई देखिए, नॉर्मल जो सेल्स का बंदा होता है ना, वो अपनी जो साइज की चार्ट्स होती हैं उनको समझता है। आउटफिटर में मैं जाता हूँ, जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बोला ये देखो भाई ये कौन सा साइज आएगा और उसने बंदे ने गलत साइज जो है ना वो मुझे बोला। अभी ये जो शर्ट आपके भाई ने पहनी हुई है ना, ये आप चेक करें क्या टाइट शर्ट है यार, आप देखें, ये आउटफिटर से लिए और अभी इसका भी मैं रिव्यू करूंगा। कुछ नहीं बोला मैंने, मैंने जाके बोला भाई ये इतना बड़ा आदमी हूँ साइज दे दो, उसने बोला सर ये साइज आपको आएगा। इस बंदे से मैंने पूछा भाई आपकी ब्रांड का कौन सा साइज आएगा, सर आप देख लें। भाई भूतनी के देखना होता तो भाई तुझसे क्यों पूछता मैं, सर देख लें आप। अच्छा मैंने बोला क्या एक्सेल आएगा, सर शायद बड़ा हो जाए, तो फिर लार्ज आएगा, सर शायद छोटा हो जाए। मतलब मैं ये आपको, आई एम नॉट मेकिंग दिस शिट अप, दिस एक्चुअली हैपेंड। अब जब भाई आइटम निकले तो सबसे पहली तो दो चीजें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक प्लेन सी मैंने बेसिक टी शर्ट ली, बहुत ही सिंपल सी, कोई खास इसमें नहीं है, ब्लैक कलर की, और इसी का एक और कलर लिया मैंने ये ब्लू के अंदर, ये भी उल्टी हुई है क्योंकि मैंने पहन कर देखी थी घर आके। उसके बाद द ग्रेट आइडियाज, मतलब इन आप भाई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट देखें, स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर है ये, ई होंडा नाम का एक कैरेक्टर होता था, ये छाप दिया, ये आर्टवर्क भी मुझे पता है किस आर्टिस्ट का है, कोई ना इस पे स्ट्रीट फाइटर लिखा हुआ है ना आर्टिस्ट को क्रेडिट दिया हुआ है, सीधा सीधा छापा हुआ है। फिर यही नहीं, ये चेक कर रहे हैं आप, ये भी स्ट्रीट फाइटर, सिगात एक जो है वो थाई कैरेक्टर होता था स्ट्रीट फाइटर के अंदर, शुगर है पीछे इन्होंने लिख दिया टाइगर अपरकट, उसकी पावर होती है टाइगर अपरकट, तो ये भी छाप दिया, छाप रहे हैं, मतलब ये भी नहीं कि कुछ मिलता जुलता बना रहे हैं, छाप रहे हैं सीधा सीधा और कोई क्रेडिट भी नहीं दे रहे। ये मैंने खास तौर पर दोनों टी शर्ट इसलिए उठाई हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आइडियाज वालों थू थू है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद आप अपने डिजाइन भी नहीं बना सकते। मगर दिस इज नॉट ऑल, उस बंदे को मैंने बोला भाई ये निकाल दे एक्सेल में, उसने बोला सर फ्रेश पीसेस आप पहुंचे काउंटर पे, पहुंचे काउंटर पे मैं लेकर आ रहा हूँ फ्रेश पीसेस। भाई फ्रेश पीसेस लेकर आया मैंने, जो है वो चेकआउट करवाया, टोटल 4 टी शर्टों का मेरा जो बजट बना है वो बना है 2400 रुपये, विच वॉज नॉट बैड टी शर्ट्स के हिसाब से। घर आया हूं, ये टी शर्ट है लार्ज में जो एक्सेल में होनी थी, ये टी शर्ट भूतनी वाले ने स्मॉल में दी है, ये इतनी टाइट टी शर्ट है
कि मेरा जिस्म पे जब ये चढ़ने की कोशिश नहीं की है तो मेरे जिस्म से चीखा है। उसने बोला मैं निकल के भाग रहा हूँ, तू चढ़ा ही नहीं सकता ये टी शर्ट। ये टी शर्ट लार्ज, ये टी शर्ट लार्ज, एक टी शर्ट भी इस 2400 रुपए में इस गबरू जिस्म के ऊपर नहीं चढ़ी। जो चढ़ी वो ऐसी चढ़ी कि फटने के लिए तैयार थी वो टी शर्ट, तो मुझे वो उतारनी पड़ी और शायद ये मैं अपने भाई को दे दूं या मैं किसी और को दे दूंगा। वापस जाके मुंह काला करना तो है नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो बोलेगा सर इसमें तो साइज ही नहीं है, सर ये नहीं है, आप साइज ढूंढ लें, ये 1500 पीस पड़े हैं, ढूंढ लें पूरा दिन, आप तो ख्वार के बच्चे। भाई आइडियाज वालों, छोटा सा सजेशन है, अगर आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी सेले ना करो, और अगर सेले इतनी बड़ी बड़ी करनी है थोड़ा स्टाफ की ट्रेनिंग कर लें ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। क्योंकि आप जितने भी इन्फ्लुएंसर लेकर आएंगे फटनी तो स्टाफ वालों की है, तो प्लीज ऐसा ना करें। अल्लाह हाफिज़।